गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज हम पढ़ेंगे यूकेरियोटिक सेल। पिछले वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था और आज हम यूकेरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे और प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल में जो डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, यूकेरियोटिक सेल क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं यूकेरियोटिक जो वर्ड है इसमें यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन, वर्ड से निकाला गया है, इसका मतलब है न्यूक्लियस या कर्नेल। यानी कि जो यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ट्रू न्यूक्लियस प्लस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूकेरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर। यूकेरियोटिक सेल में जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में देखा, ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सभी प्रेजेंट होते हैं। इस टेबल के थ्रू हम यूकेरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनेल हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है सेल वॉल। यूकेरियोटिक सेल के एग्जांपल जैसा कि हमने देखा पहले वाले वीडियो में, प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं। तो सेल वॉल प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। और प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। ये सेल वॉल कोशिका को रिजिडिटी एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, यानी कि सेल की जो शेप है उसको मेंटेन करती है। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल में भी इसके बारे में पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सॉल्यूट्स हैं उनके ट्रांसपोर्ट यानी कि कोशिका के अंदर और बाहर जाने को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। ये जेल लाइक मैट्रिक्स होता है जो कि ऑर्गेनेल्स को होल्ड करके रखता है साइटोप्लाज्म में। इसके बाद में आता है वैक्यूल। जनरली वैक्यूल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होती है, बट प्लांट सेल की तुलना में कम मात्रा में प्रेजेंट होती है। ये एक स्टोरेज ऑर्गेनेल की तरह काम करती है, स्टोरेज का काम करती है। इसके बाद में आता है न्यूक्लियस। जैसा कि हमने देखा यूकेरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। राइबोसोम, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का शक्तिग्रह। क्यों? क्योंकि इसमें एटीपी प्रोडक्शन होता है, एटीपी का निर्माण होता है और एटीपी एनर्जी करेंसी की तरह काम करती है। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं
जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फैटी सब्सटेंसेस का सिंथेसिस होता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सिंथेसाइज्ड प्रोटीन है उनको गोल्जी अपरेटस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट है गोल्जी अपरेटस। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज्ड प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करती है गोल्जी अपरेटस को, इनको ये स्टोर करने का काम करता है। इसके अलावा जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हैं उनकी पैकेजिंग करके इनको अदर डेस्टिनेशन पे भेजता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। ये जो सेलुलर वेस्ट हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है, इसलिए इनको सुसाइड बैग्स आत्मघाती थैलियाँ कहा जाता है। इसके बाद में आता है सीलिया एंड फ्लेजेला। ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और कोशिका को मूवमेंट मोटिलिटी प्रदान करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है, यानी इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, लाइट को यूज़ करके सेल अपना भोजन खुद बनाती है। इसके अलावा यूकेरियोटिक सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है जो सिर्फ एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग रीजन की तरह काम करता है। इसके अलावा यूकेरियोट्स में जो साइटोस्केलेटन है साइटोप्लाज्म में, उसमें तीन तरह के फिलामेंट होते हैं, एक्टिन फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये साइटोस्केलेटन यूकेरियोटिक सेल को होल्ड करके, सेल को एक रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और होल्ड करके रखता है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल में डिफरेंसेस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे कि बैक्टीरिया, एंड यूकेरियोटिक सेल के एग्जांपल हैं जैसे प्रोटिस्ट है, फंजाई है, प्लांट है एंड एनिमल्स। प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर होती हैं एंड यूकेरियोटिक सेल यूजुअली मल्टीसेलुलर होती हैं एक्सेप्ट प्रोटिस्ट। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइज स्मॉल होती है, 0.1 से 10 माइक्रोमीटर तक होती है, और यूकेरियोटिक कोशिकाओं की साइज लार्ज होती है, 10 टू 100 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं एंड यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ये प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में रिप्रोडक्शन जनरली एसेक्सुअल टाइप का होता है एंड यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों टाइप का होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए सर्कुलर होता है एंड यूकेरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए लाइनर होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कुछ बेसिक प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, बट यूकेरियोटिक कोशिकाओं में स्पेशल टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं जिनको बोलते हैं स्टोन प्रोटीन। ये प्रोटीन भी बेसिक प्रोटीन होती हैं और इन प्रोटीन की खास विशेषता है कि इनमें दो अमाइनो एसिड आर्जिनिन और लाइसिन हाई क्वांटिटी में होते हैं। इस टाइप की प्रोटीन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंट होती है। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टीरोल्स नहीं होते एंड यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टीरोल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या सिमिलरिटीज हैं। दोनों टाइप की जो कोशिकाएं हैं इनमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि सॉल्यूट्स के ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करती है। दोनों टाइप की कोशिकाओं में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। दोनों ही टाइप की कोशिकाओं में डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। और प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों टाइप की कोशिकाओं में एक लिक्विड एनवायरनमेंट जो कि जेल लाइक होता है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। थैंक यू।